ब्रेकफास्ट करते साथ ही हम निकल गए थे और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट डाइव इनटू द सिचुएशन, ये हम अपने आप को समझा रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई है स्कूबा डाइविंग की, तो देखते हैं अब हमारे साथ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान और खैर खैरियत से रखे। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, जो प्रॉपर स्टेशन बना हुआ है एक स्कूबा डाइविंग के लिए। यहाँ लेफ्ट से हमें सारी स्कूबा डाइविंग के जो अप्रेटिसेस होते हैं वो मिल रहे थे। तो लाइन वाइज एंटर हुए थे, प्रॉपर लाइन्स बन रही थी और मे भी कुछ टिकट की सिचुएशन थी कि क्या हिसाब था, बट वो तो गाइड ही हैंडल करते हैं तो उसका नहीं इतना अंदाज़ा होता। इजीली हम अंदर आ गए और अब यहाँ से ना हमने अपने अप्रेटिसेस ले लिए, लाइफ जैकेट्स ली हैं और एक ये स्नॉर्कलिंग के लिए अप्रेटिस था, ये स्नॉर्कलिंग के लिए लिया है। और पैडल्स और यूनिफॉर्म हमें वहीं पर ही मिलेगा बोट में। अच्छा, जब भी आप लोगों ने कोई एक्टिविटी करनी हो ना तो कुछ भी सोचना नहीं है उसके लिए कि अच्छा ये होगा, हाय मुझे डर लगेगा, नहीं मुझे तो हाइट से डर लगता, नहीं मुझे पानी से डर लगता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। जस्ट आपने अपना नाम एंटर करवाना है, आपने उसके आप उसकी जो वैन लेने आएगी आपने उसमें बस बैठ जाना है, आपने चले जाना है, आपने और उन्होंने कहना है छलांग मार दो तो आपने छलांग मार देनी है। डोंट थिंक एनी थिंग। अगर आप ये सोचने बैठ गए ना कि आप ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप पीछे रह जाएंगे। हमने रिसेंटली टर्की में भी यही किया था अपने फेलोज़ के साथ कि जो कोई हमारे ग्रुप में होता था और वो कहता था नहीं 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 मैंने नहीं जाना, हम कहते थे ज़रूर जाना है, जाएंगे तो सभी जाएंगे। और फिर वो बाद में हमें दुआएँ दे रहे होते थे कि शुक्र है हमने भी कर ली, क्योंकि वहाँ पर पैराग्लाइडिंग थी और बहुत एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर। और यहाँ पर भी बहुत मज़ा आया, यहाँ पर भी जैसे कोहेतूर पर भी बहुत लोग नहीं जाने को तैयार हो रहे थे और सारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और जब हो गया तो फिर उसकी कोई खुशी की इंतहा नहीं थी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है। और इन लोगों को तो मैंने देखा ही, अपने छोटे छोटे बच्चों को फेंक देते हैं पानी में, वो रो रहे हैं और ये उनको पानी में फेंक देते हैं। और ये है भी समंदर, ये भी नहीं कि कोई छोटा मोटा स्विमिंग पूल है, ये बहुत ह्यूज था। तो लेकिन अब वो फिर जब बड़े होंगे तो वो फिर बिल्कुल निडर होंगे, उन्हें कोई डर नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो डर रहे थे। हम साहिल को क्रॉस करते हुए अपनी शिप तक आ चुके हैं और शिप में फिर वही जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक फट्टा सा होता है और इसके ऊपर तो बहुत ही पतला सा फट्टा था। तो बहरहाल ये हम आ गए फिर, क्योंकि मुझे मोबाइल फिर अंदर रखना पड़ा तो उसके मैं क्लिप नहीं बना सकी। और ये स्टेयर्स ऊपर चढ़ के ये अपर फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर का भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ सारा। हम लोग जो है ना वो बैठे थे बिल्कुल जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, पिक्चर्स बहुत प्यारी आई थी। ये वाली साइड पे हम लोग बैठे थे। ये पीछे ब्राउन कलर की शिप देखें कितनी खूबसूरत है, जैसे हम सीनरीज में देखते हैं, पेंटिंग्स में देखते हैं, ये वो बिल्कुल वही मंज़र है। बहुत खूबसूरत जगह है, पानी की आवाज़ भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी। हम लोगों की शिप स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग ये सर्टन लेवल पे लेके जाएंगे फिर वहाँ पे स्नॉर्कलिंग ये होता है कि आप ऊपर पानी की तह में स्विमिंग कर सकते हैं, और जो डाइविंग होता है वो डीप सी डाइविंग होता है। अब ये ना प्रॉपर गाइड करेंगे आके, इवन उन्होंने हमें बताया कि सीढ़ियाँ कैसे उतरना है आपने। और this is the most important that we should know today. Why? Because when we've been in the port, all the boats take the same color and same design. And when we stop in our stops, all the boats will be together. So it's not allowed to go into snorkeling, then by mistake, going back to another boat. Because the first question they were asking you, what is the name of your boat? If you didn't remember, we have four ports in Sharm el Sheikh. So by mistake you went to another boat, then going to another port. But if you remember the name of the boat, we're gonna contact each other by radio or by phone. That's why it's a question. You need to answer me, I am okay. Not answering like this, because I don't understand what that means. And also not allowed to like the fish and reef and I'm speaking to you. Are you okay? And you said I'm excellent. Perfect.
right now. When we go up, we're not going down again. Because up and down, up and not allowed. Okay? So, okay, only this signal, no more. If I say by mistake, I will take you up, then you are not going down again. And I will say, no, that was a mistake. How you're saying? You will say, in the water, this means okay. If you're not okay and you have a problem, I have a problem. But not allowed to say to me, I have a problem, then start to make strange stuff and try to go up. No, relax. How am I going to help you if I don't know? ये हमें साइंस सिखा रहे थे कि आपने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, साइंस की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है अंडर वाटर. मतलब अगर आपने थम्स अप शो किया ना, तो वो अंडर वाटर उसका मतलब होता है कि टेक मी अप, यानी मुझे बाहर निकालें यहाँ से. तो वो फौरन ही बाहर ले आएंगे आपको और वो सब. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आपने क्या साइंस शो करना है, मतलब आप हाथ पांव नहीं मार सकते, क्योंकि हाथ पांव मारने से फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे. तो बस काम डाउन रह के आपने साइंस की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. और ये क्लिप ना मैंने स्कूबा डाइविंग करने के बाद बनाया था. अब हम लोग सब कर चुके हैं स्कूबा डाइविंग, और ये हमारे ये जो लंबे से आपको डंडे से नज़र आ रही हैं, स्टेयर्स हैं, ये नीचे उतर जाती हैं और फिर हम ऊपर चढ़ते हैं जब हम पानी से निकलते हैं. ये यूनिफॉर्म्स लटके हुए हैं और सिलेंडर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं. बैग सा एक पहनते हैं हम लोग, और वो बहुत भारी बैग होता है, उसके ऊपर सिलेंडर लगा होता है. लेकिन पानी के अंदर जाके वेट चूँकि ज़ीरो हो जाता है, इसलिए बिल्कुल फील नहीं होता. लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर निकले ना, उन्होंने कहा आपने अपने ज़ोर पर ऊपर नहीं आना, क्योंकि फिर कमर मुड़ सकती है. अच्छा, पहले वीडियोस में इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि हम सब ने अपने मोबाइल्स ऊपर रख दिए थे अपने सामान के साथ, और पैक कर दिए थे, और किसी एक को साथ बिठा दिया था हमने अपने बैग्स के. तो फिर उस वजह से ना नीचे कोई भी क्लिप वगैरह नहीं बन सका. अच्छा, ये जो हो रहा है ना, ये स्नॉर्कलिंग हो रही है जो मैंने अभी शुरू में बताया था. ये इसमें आपके जो फेस है, आपका हेड है, वो पानी से बाहर रहते हैं. हम लोग यहाँ पे अब अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं. ये ग्राउंड फ्लोर पे लाउंज है, लाउंज सा बना हुआ था बोट के अंदर. तो वहाँ पे हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, और खाना लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी. लेकिन हम लोग यहीं बैठ गए थे, ऊपर भी उन्होंने कहा था आप लेके जा सकते हैं. ये पानी में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हीरे हैं, डायमंड्स लग रहे थे. बल्कि कैमरे में तो इतने क्लियर नहीं आए, इतने परफेक्ट नहीं आए जिस कदर ये परफेक्ट और खूबसूरत डायमंड्स थे. अच्छा, मिस्र का समंदर देखने का मुझे बहुत शौक़ था, और इसके अंदर उतरने का भी शौक़ था. क्योंकि जब मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले थे, और उस वक़्त पता है हुआ ये था कि फ़िरऔन ने उनका पीछा किया. मतलब कुरान में आता है, फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहू बग़यन व अदवा. फ़िरऔन ने और उसके लश्करों ने पीछा किया, और जुनूद ऐसे लश्कर को कहते हैं जो प्रॉपर आर्मी हो. वैसे तो वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो वो एक लश्कर हो जाता है, बट जो प्रॉपर आर्मी और उसके पास सारे असलहे भी मौजूद हों जो भी उस वक़्त के, उस प्रॉपर आर्मी को जुनूद कहते हैं. और कुरान में 6 लफ्ज़ आए हैं लश्कर के लिए, लेकिन यहाँ जुनूद का लफ्ज़ आया है. बग़यन व अदवा का मतलब है कि दुश्मनी और सरकशी के उस जहन में रखते हुए ना, वो इस तरह से पीछे निकले थे. तो हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के और बनी इसराइल के सामने पानी का समंदर, और पीछे उनके लोगों का समंदर, और आगे पानी का समंदर आ गया. पीछे मतलब जो पूरा लश्कर आ रहा था फ़िरऔन का, और बनी इसराइल ने उस वक़्त ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो गए, क्योंकि सबको पता था कि फ़िरऔन क्या चीज़ है, अगर वो पकड़ ले तो वो क्या क्या सज़ाएँ देता है, वो सब जानते थे. तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त ये अल्फाज कहे कि इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखाएगा. जब सिचुएशन पीक तक पहुंच जाती है ना, जब लगता है कि बस अब तो हम गए, जब परेशानियाँ और दुख तकलीफ़ें हद से बढ़ जाती हैं ना, तो उस वक़्त एक इम्तिहान होता है. उस वक़्त जो कह देना कि अल्लाह मेरे साथ है, तो अल्लाह फिर उसके लिए सब, जैसे रात शदीद गहरी हो जाए ना, तो दिन फूट पड़ता है उस रात के अंदर से.
तो मूसा अलैहिस्सलाम के ये दुआ पढ़ने पर अल्लाह ने कहा कि अपना आसा समंदर में मारो अपनी लाठी, और वो रास्ता बन गया और वो उसमें गुजर गए। तो जो फिराउन उनका पीछा कर रहे थे वो डूबने वाले हो गए। और कुरान में आता है कि जब फिराउन हत्ता इज़ा अदरका हुल गरक, जब फिराउन गरक होने लगा तो कौला बोल उठा, आमंतु मैं ईमान ले आया, अन्नहु के बेशक वो ला इलाहा इल्लल्लज़ी नहीं है कोई इलाह मगर उसी ज़ात के जिस पर ईमान लाई बनी इसराइल और मैं फरमा बरदारों में से हूँ। और फिर अल्लाह जी ने कहा कि आल आना, क्या अब तू ईमान ले आया जबकि इससे पहले तू नाफरमानों में से था और फसाद करने वालों में से था। फल यौमा, बस आज के दिन हम निजात देंगे तेरे जिस्म को, यानी बचा के रखेंगे तेरे जिस्म को ताकि बाद में आने वालों के लिए इबरत बनाए। बस अल्लाह हमें बचा ले शिर्क से, नाफरमानी से और फिरौनियत से। ये जो होता है ना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये फिरौन की नेचर थी। तो बहरहाल हम लोग अब साहिल पे वापस आ चुके हैं। आप लोगों से मैं मुलाकात करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक नई चीज़ के साथ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। और सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।